हे भगवान, आपकी बिल्ली ने कॉफी मग गिरा दिया है और आपके पूरे महंगे कालीन पर कॉफी बिखर गई है। क्यों ना कुछ पलों के लिए समय को रोक दिया जाए कि कॉफी को फर्श पर फैलने में कितना समय लगेगा। आमतौर पर मग को धक्का लगने और ग्रेविटी को अपना काम करने में तकरीबन एक सेकंड का टाइम लगना चाहिए। मग गिराते हुए आपकी बिल्ली शरारती आंखों से आप ही को देख रही है। यिक्स। 24 से 25 फ्रेम प्रति सेकंड यानी स्क्रीन पर चल रही वीडियो एकदम असल जिंदगी में काम करते हुए लोगों की तरह दिखती है। जब फिल्में बननी शुरू हुई थी उस वक्त कैमरों में ऐसी टेक्निक नहीं थी जो पर सेकंड 25 फ्रेम को सपोर्ट करे। इसीलिए एक ही फ्रेम में जल्दी जल्दी मूवमेंट करने और बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश की जाती थी। आज हम काफी एडवांस हो चुके हैं और हमारे पास ऐसी टेक्निक है जो छोटी से छोटी डिटेल को आराम से पकड़ सकती है। नए कैमरों से हम हर सेकंड 90,000 फ्रेम वाले वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इसे 25 FPS पर चलाते हैं तो हर सेकंड एक घंटे तक चलेगा। इससे काफी चीजें बोरिंग हो सकती हैं, पर कभी कभी एक सेकंड में भी कई रोमांचक घटनाएं फिट हो सकती हैं। इसीलिए अगर आपकी बिल्ली मग को गिरा दिया और कॉफी कार्पेट पर गिरती है तो आप कॉफी की एक एक बूंद को गिरते और जमीन से टकराते हुए देखेंगे। ऐसी दुनिया जहां रियल टाइम में हर सेकंड एक घंटे का होता हो, रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिकली समय के साथ ही थम सी जाती हैं। आपको अपना हर काम करने के लिए एक घंटा मिलता है। जब हर सेकंड एक घंटे का हो जाता है तो आप मग को वापस टेबल पर रखते हैं, बिल्ली को दूसरे कमरे में छोड़ कर आते हैं और हवा में धीरे धीरे आ रही कॉफी को उठाकर वापस मग में भर लेते हैं। खिड़की के बाहर एक हमिंग बर्ड फूलों के इर्द गिर्द मंडरा रही है और कुछ खा रही है। ये मंडराते टाइम प्रति सेकंड 10 से 80 बार अपने पंख फड़फड़ा सकती है। आप इसके ठीक बगल में खड़े इसके पंख और इसकी फड़फड़ाहट को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। एक मधुमक्खी फूलों से पराग यानी पॉलन इकट्ठा कर रही है। आप इसके पास आते हैं और हाई डेफिनेशन में इसके पंखों की गुनगुनाहट सुनते हैं। एक मक्खी आपके चारों ओर भनभना रही है। आप उसकी बगल से आगे निकल जाते हैं। आपका पड़ोसी बड़ी लापरवाही से कुत्ते को रस्सी से पकड़कर घुमा रहा है। आप देखते हैं कि कुत्ता एक आवारा बिल्ली को आंखें बाहर निकाल कर देख रहा है, उसके पीछे भागने वाला है और बिल्ली वहां से भाग रही है। आप 15 मिनट खर्च कर चुके हैं जो असल जिंदगी के मुश्किल से एक सेकंड के बराबर है। आपका शरीर अब भी अपने ही टाइम के हिसाब से काम कर रहा है और आपको भूख लगने लगी है। बाहर एक पक्षी हमिंग बर्ड पंख फड़फड़ा रहा है। आप इसे देखते देखते किचन से कुछ स्नैक्स उठाकर ले आते हैं। एक समय के हिसाब से आपके पास अब भी 45 मिनट बाकी बचे। आप इनमें बाकी बचे सारे काम निपटाने का फैसला करते हैं और एक्चुअल रियल टाइम में से थोड़ा सा समय बचाने के लिए घर के कुछ काम करने लग जाते हैं। जैसे ही बर्तन धोने के लिए टैप चालू करते हैं, पानी तो आ ही नहीं रहा है। वैसे आपको याद है कि टैप से पानी निकलने में समय लगेगा। पानी की पहली बूंद गिरते ही देखते हैं, लेकिन आप नए समय में तो इसकी स्पीड बहुत धीमी है। इसीलिए आप इसे छोड़कर कोई दूसरा काम जैसे अलमारियों की सफाई करने लगते हैं। डस्टर और झाड़ू उठाकर शेल्फ की धूल झाड़ रहे हैं। धूल धीरे धीरे हवा में उड़ने लगती है और वो वहीं झूल रही है। धूल धुएं की तरह तैर रही है और आप इसका एक एक कण देख सकते हैं। आप थोड़ा पीछे हटकर हवा में तैरते धूल के गोलों को पकड़ने और फिर दूर फेंकने की कोशिश करते हैं। फिर आपको समझ आता है कि धूल से पंगे लेने का कोई मतलब नहीं है। आपके पास अभी 35 मिनट बाकी हैं और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। फोन उठाकर देखते हैं। जैसे स्क्रीन ऑन करने लग जाते हैं ऐसा लगता है मानो स्क्रीन होने में बरसों लग जाएंगे। आपको रोशनी को सूरज से धरती तक आने में तकरीबन 8 मिनट लगते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इस दुनिया में हैं तो स्पीड से सूरज को भी आप तक पहुंचने में 20 दिन लगेंगे, मतलब सुबह होने में ही 20 दिन लगेंगे। जैसे आप कमरे की लाइट ऑन करते हैं ये इतनी स्पीड से ट्रेवल करती है कि इसे मेजर करना तो दूर की बात है। हम इतने कम समय में इसे ठीक से देख भी नहीं पाते। वैसे तो सदियों से इस नंबर की वैल्यू बार बार बदलती आ रही है, लेकिन साइंटिस्ट कम्युनिटी ने अब इस मुद्दे को सॉल्व कर लिया है। अगर आप भी उस समय में होते तो शायद लाइट की स्पीड को इसी तरह से मेजर करते। उस समय जो नंबर दिए गए थे वो फिजिक्स में जितना पॉसिबल हो सकता था बस उसी के हिसाब से एक अंदाजा था। लाइट की स्पीड को मेजर करते टाइम सबसे पहले दो पॉइंट्स ए और बी के बीच की दूरी पता करनी होती है और इनके बीच किसी ऑब्जेक्ट के ट्रैवल में लगने वाले समय का पता लगाया जाता है। और फिर जब दूरी को समय से डिवाइड किया जाता है तो हमें लाइट की स्पीड मिलती है। लाइट की स्पीड मेजर करने का एक अच्छा तरीका शीशा और टॉर्च भी है। हो सकता है कि हमें एक ही दूरी और एक ही स्पीड के एक्सपेरिमेंट के लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिल जाए, लेकिन यहाँ एक समस्या ये है कि हमें रोशनी की किरणों को पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी तक और फिर पॉइंट बी से ए तक ट्रैवल को मेजर करना होता है।
ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पॉइंट बी से पॉइंट ए तक वापस आने वाली लाइट की स्पीड शुरुआती पॉइंट ए से बी तक की स्पीड के बराबर नहीं हो सकती। हाँ, वैसे सच है कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अच्छा चलिए, इसे थोड़ा और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। आप दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन एकदम परफेक्ट टाइम पर डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है आपको नींद आ जाती है। सोने से पहले आपने घड़ी की ओर देखा था और ठीक 9 बजे थे। अब जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आप वापस उसी जगह पर पहुंच गए हैं जिस जगह आपको नींद आई थी। पर अब 11 बजे हैं। आप रास्ते में सो गए थे, इसलिए अब आपको घर पहुंचने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। ट्रेन को स्टेशन से आपके घर तक पहुंचने और फिर वापस उसी स्टेशन तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है। अगर इसे लाइट बीम से जोड़कर देखा जाए तो लॉजिकल लगता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन इस थ्योरी में यकीन नहीं करते थे। उनका मानना था कि स्पेस और टाइम तो एक जैसे ही रहते हैं, बस लाइट की स्पीड बदलती रहती है। ट्रेन से ट्रैवलिंग के मामले में शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन ये मानते होंगे कि ट्रेन को स्टेशन से लेकर आपके घर तक पहुंचने में 1 घंटा 59 मिनट लगे और 1 मिनट इसने वापस मुड़ने में लिया होगा, या फिर थोड़ा बहुत कम ज्यादा टाइम। कुछ साइंटिस्ट ने शुरू में इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ये थ्योरी बहुत फेमस हुई। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि लाइट को बिना रिटर्न ट्रिप के कैसे मेजर किया जा सकता है, और शायद हम हाई स्पीड कैमरों से फ्रेम दर फ्रेम लाइट को कैप्चर कर तब तक माप सकते हैं जब तक कि हमें सही नंबर नहीं मिल जाता। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जो लाइट हम लेंस के थ्रू देखते हैं वो एक्चुअल लाइट नहीं बल्कि उसका रिफ्लेक्शन होता है, यानी हम लाइट को इसकी प्योर फॉर्म में नहीं देख पाएंगे। वैसे फिलहाल लाइट की सही स्पीड मापने का कोई तरीका नहीं है। जिन नंबरों को साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो महज एक अंदाजा है और एक्चुअल वैल्यू नहीं है। हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने, मैथ और फिजिक्स की कैलकुलेशन करने के लिए इस नंबर की जरूरत पड़ती है। चलिए अब वापस 1 सेकेंड = 1 आवर वाली दुनिया में आते हैं। यहाँ फिजिक्स के नियम अलग तरह से काम करते हैं। इसमें हर प्रोसेस को स्लो मोशन में देखा जा सकता है। रसोई में जाते हैं और लाइटर से गैस को चालू करते हैं ताकि इसमें आए बदलावों को देख सकें। गैस चलाते हैं और यहाँ भी छोटी सी चिंगारी से आग की लौ को स्लो मोशन में जलते हुए देखते हैं। बर्तन में रखा पानी धीरे धीरे भाप में बदलता जा रहा है। सोचो अगर 60 सेकेंड 1 घंटे के बराबर हो जाए तो 1 मिनट 2.5 दिनों का हो जाएगा और 1 घंटा लगभग 5 महीने तक चलेगा। 1 दिन तकरीबन 1 दशक तक चलेगा और 1 महीना लगभग 300 साल के बराबर हो जाएगा। 1 पूरा साल लगभग 3600 सालों के बराबर होगा। इस सिचुएशन में हमारी उम्र शरीर के अंदरूनी काम करने के तरीके पर डिपेंड होगी। इसलिए अगर हमारे शरीर का लाइफ स्पैन इतने सालों के लिए बढ़ गया और 365 दिन 3600 सालों के बराबर हो गए तो इतने समय में हमारे बाल बजट कट से पोनी टेल तक भी नहीं बढ़ पाएंगे।